Hello friends, welcome to our channel. Now in this video, as you can see the thumbnail, in this video I'm going to provide you June month most important current affair for your upcoming MNS exam 2021, and you have to do only the current affair till June. Okay, you don't need to do the current affair of July month. So this is very important. This is the last month current affair that you have to do for your MNS exam, right? Now, one important information before starting this video, I request you all to please join the Telegram channel of MNS Prep, because mostly jitni bhi informations hai, notification hai, notes hai, updates hai, PDF hai, wo main sari information Telegram par hi provide karungi, because Telegram is one at the spot and isse distraction bhi nahi hoga aapko idhar udhar nahi dekhna padega, okay? So you have to join the Telegram channel. Channel ka link jo hai wo description box mein main provide kar dungi, aap wahan se Telegram channel join kar sakte ho, okay? And usme main aapko daily routine bhi setup करके दे रही हूँ कि आपको डेली क्या क्या पढ़ना है, सो दैट यू कैन फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट और टॉपिक. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट. एंड पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो इज प्रोवाइडेड विद इन 2 or 3 days ऑन दिस टेलीग्राम चैनल ऑल्सो. ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, व्हाट वॉज द मेन थीम फॉर 7th इंटरनेशनल योगा डे 2021? इंटरनेशनल योगा डे की थीम क्या थी? सो इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 21st ऑफ जून. एंड इस बार की जो थीम है दैट इज योगा फॉर वेलनेस. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, योगा फॉर वेलनेस. एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस विच एडिशन ऑफ योगा डे, दैट इज 7th एडिशन. फर्स्ट जो योगा डे है दैट इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम 2015. सो पहला योगा डे, जो पहला एडिशन था वो 2015 में है. ठीक है, 15 में था. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, विच एप्लीकेशन वॉज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन इंटरनेशनल योगा डे? सो इस बार जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने लॉन्च किया है एप्लीकेशन फॉर योगा डे. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एम योगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, द स्टार्टअप वाइफ हैज़ बीन रिलीज रिसेंटली, हु हैज़ ऑथर्ड इट? द स्टार्टअप वाइफ ये एक बुक है और इसके ऑथर आपसे पूछा है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, ताहिमा अनम. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ताहिमा अनम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल इट्स अ वंडरफुल लाइफ? इट्स अ वंडरफुल लाइफ, इसके ऑथर कौन है? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, रस्किन बॉन्ड. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ गाइज, यू हैव टू रिमेंबर दैट बुक्स एंड ऑथर इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ GK. यू हैव टू रिमेंबर एंड यू हैव टू लर्न इट थॉरोली, बिकॉज यहाँ से जो क्वेश्चन हैं वो आपके स्टैटिक से भी बनते हैं और करेंट से भी बनते हैं. सो बुक्स एंड ऑथर्स आपसे स्टैटिक से भी पूछ लिया जाएगा, या फिर करेंट अफेयर्स में कोई बुक्स न्यूली रिलीज है तो वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं. ओके, ना कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे वीडियोस के बीच बीच में याद आती रहेंगी MNS 2021 के लिए, जो भी मैं फ्यूचर में वीडियोस प्रोवाइड करूँगी. तो सेपरेट वीडियोस मैं नहीं प्रोवाइड करूँगी. इफ़ यू ईगरली आस्क फॉर द पर्टिकुलर वीडियो देन ओनली आई विल प्रोवाइड, वरना मैं जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं वीडियोज़ के बीच में ही प्रोवाइड करूँगी. अदरवाइज आपका भी टाइम वेस्ट होगा सेपरेट वीडियोज़ को देखने में. ओके, एंड मुझे भी याद नहीं रहता फिर आपने क्या क्वेश्चन पूछे हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज ईरान्स 8th प्रेसिडेंट? ईरान के 8वें प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया है? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इब्राहिम रईसी. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इब्राहिम रईसी. नाउ जो कैपिटल है ईरान की दैट इज तेहरान. यू हैव टू रिमेंबर द कैपिटल एंड करेंसी ऑल्सो. सो द कैपिटल ऑफ ईरान इज तेहरान एंड करेंसी इज रियाल. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. सो द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इज इब्राहिम रईसी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज़ कंपोज इंडियाज ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग फॉर टोक्यो ओलंपिक्स? टोक्यो ओलंपिक 2020 में होने वाले थे, बट ड्यू टू कोविड क्राइसिस ये जो है शिफ्ट कर दिए गए हैं नेक्स्ट ईयर, मतलब इस साल के लिए 2021 के लिए. तो आपसे पूछा है कि इंडिया की तरफ से जो थीम सॉन्ग बनाया गया है उसको किसने कंपोज किया है? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सिंगर एंड कंपोजर मोहित चौहान. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड सॉन्ग का नाम क्या है? लक्ष्य तेरे सामने, लक्ष्य तेरे सामने है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, द 47th G7 समिट 2021 वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? एक्चुअली ये जो वीडियो है जून 2021 की, ये बहुत ही अवेटिंग वीडियो है. काफ़ी कमेंट्स इस पर आ चुके थे. ऑलरेडी मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करती, बट ये मेरे को कुछ ज़्यादा जल्दी प्रोवाइड करनी पड़ी बिकॉज आपके कमेंट्स बहुत थे कि जून मंथ के करंट अफेयर प्रोवाइड कर दो. ओके,
सो G7 समिट 2021 की यह कहाँ होस्ट की जाएगी? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी इंग्लैंड और वी कैन से UK. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. वेरी इंपॉर्टेंट, G7 ब्रिक समिट से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज द समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस का जो टॉपिक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. निकोल पेशियान हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? सो निकोल, ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये अपॉइंट किए गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो ये किस कंट्री के अपॉइंट किए गए हैं? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आर्मेनिया. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. निकोल पेशियान हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर्मेनिया. आर्मेनिया की जो कैपिटल है येरेवन, येरेवन इज द कैपिटल ऑफ आर्मेनिया एंड करेंसी इज ड्रैम, DRAM. ओके, सो येरेवन एंड करेंसी इज ड्रैम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. वेयर इज इंडिया हेमिस फेस्टिवल 2021 वॉज सेलिब्रेटेड? सो हेमिस फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन लद्दाख. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू फेस्टिवल्स. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. हु हैज़ बीन नेम्ड एज द कैप्टन ऑफ द इंडियन मेन्स हॉकी टीम फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स? सो ये पहले भी कैप्टन रहे हैं इंडियन मेंस हॉकी टीम के, और ऑलरेडी ये कैप्टन हैं. उसके बाद ये जो ओलंपिक टीम है इंडिया की तरफ से जो खेलेगी मेंस हॉकी, उसके भी कैप्टन कौन बनाए गए हैं? मनजीत सिंह. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मनजीत सिंह. अगर पूछा जाए कि इंडियन वुमेन हॉकी टीम के कैप्टन कौन है, सो द करेक्ट आंसर इज रानी रामपाल, जिनको रिसेंटली राजीव गांधी खेल रत्न पॉइंट अवार्ड भी मिला है. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. हु अज्यूम द चार्ज एज डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? अब देखो, आपको पता है कि चीफ तो है, सबको पता है, तीनों स्टाफ के चीफ सबको पता है. ठीक है, लाइक आपके आरके भदौरिया जो हो गए एयरफोर्स के एयर मार्शल हो गए. ओके, दैन जो आर्मी के हैं दैट इज़ एम एन नरवने. ओके, और ये जो नेवी के हैं वो है करमबीर सिंह, जो कि एडमिरल हैं. लेकिन डिप्टी भी आपको याद होने चाहिए, मनोज मुकुंद नरवने, जो कि आर्मी के चीफ हैं. नाउ जो डिप्टी चीफ है नेवी के, दैट इज ऑप्शन ए रणवीर सिंह. रणवीर सिंह इज़ द डिप्टी चीफ ऑफ नेवी स्टाफ. वेयर इज, अगर हम आर्मी की बात करें तो आर्मी के जो डिप्टी चीफ हैं दैट इज़ लेफ्टिनेंट जनरल संजीव कुमार शर्मा. संजीव कुमार शर्मा ये हैं आर्मी के डिप्टी चीफ. और एयर मार्शल जो डिप्टी एयर मार्शल हैं एयरफोर्स के, दैट इज़ विवेक राम चौधरी. सो विवेक राम चौधरी एयरफोर्स के वाइस हो गए, नेवी के वाइस हो गए रवनीत सिंह, और आर्मी के वाइस हो गए संजीव. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो रिसेंटली इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 ये किसे दिया गया है? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डेविड डियॉप. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द बुक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक. एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. द फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स 100th बर्थ एनिवर्सरी वॉज ऑब्जर्व ऑन June 28, 2021. सो 28 जून 2021 को किस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की 100th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, पीवी नरसिम्हा राव. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, विच इज़ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पीवी नरसिम्हा राव. और इनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी है इसलिए ये पूछ लिया जाएगा. मे बी क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि अपने जो 9th प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है, क्योंकि इनकी रिसेंटली 100th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है इसलिए इंपॉर्टेंट है. सो इनका नाम है पीवी नरसिम्हा राव, ये जो है 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14. हु विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज रिकॉर्ड्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट टेम्परेचर? सो इनमें से किस सिटी का वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रहा है इस साल का? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जोकोबाद. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. और ये जो सिटी है ये पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस की है एंड रिकॉर्ड्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट टेम्परेचर अप टू ऑलमोस्ट 52 डिग्री सेल्सियस. ओके, वैसे अगर ऑप्शन में, अगर इसमें एक और ऑप्शन अगर पूछा जाता तो ऑप्शन में आपका 53 डिग्री सेल्सियस, इससे भी हाईएस्ट डिग्री सेल्सियस रहा है कुवैत की नुवेसीब एक शहर है, उसका टेम्परेचर रहा है इससे भी ज़्यादा. लेकिन ऑप्शन में यही देंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है और हाईलाइटेड भी है इसलिए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. विच वैक्सीन इफेक्टिवली न्यूट्रलाइजेस बोथ अल्फा एंड डेल्टा वेरिएंट ऑफ COVID-19 एज पर द UN नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ?
तो इनमें से कौन सी वैक्सीन है जो कि अल्फा और डेल्टा दोनों वेरिएंट्स के अगेंस्ट काम करेगी, COVID-19 के वेरिएंट्स के अगेंस्ट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, कोवैक्सिन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कोवैक्सिन न्यूट्रलाइजेस बोथ अल्फा एंड डेल्टा वेरिएंट ऑफ COVID-19। नाउ आपसे पूछा जाए कि कितने हैं COVID-19 वेरिएंट, तो चार वेरिएंट हैं, दैट इज अल्फा, बीटा, गामा एंड दिस डेल्टा। ओके, सो तीन वेरिएंट हैं ये COVID-19 के। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। विच नेशंस फॉर्मर प्रेसिडेंट जैकब जुमा हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू 15 मंथ्स इन जेल। करप्शन के चार्जेस में इनको 15 मंथ मतलब एक साल तीन महीने, तो इनको एक साल तीन महीने 15 महीने की जेल हुई है। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है किस कंट्री के? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज साउथ अफ्रीका। प्रेजेंट टाइम पर साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा, और ये जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं जैकब जुमा, इनको 15 महीने के लिए जेल में भेजा गया है अगेंस्ट द करप्शन चार्जेस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। वॉट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली एयरक्राफ्ट कैरियर विच विल बी कमीशनड इन 2022? तो इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर इनमें से कौन सा है? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज INS विक्रांत, जो कि 2022 में कमीशन होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। विच अमंग द फॉलोइंग COVID-19 वैक्सीन इज अ सिंगल डोज वैक्सीन? इनमें से कौन सी COVID-19 वैक्सीन है जो कि एक सिंगल डोज वैक्सीन है? जैसे आपको पता होगा कोवैक्सीन, अनलाइक ऑफ कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड जो कि जिनके दो डोजेज हैं, इनमें से कौन सी ऐसी वैक्सीन है जिसका सिंगल डोज लगेगा? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, स्पुतनिक लाइट, जो कि रशिया की वैक्सीन है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। हु अमंग द फॉलोइंग एंटरप्रेन्योर हैज डिसाइडेड टू फ्लाई टू द एजेस ऑफ स्पेस? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सर रिचर्ड ब्रेंसन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। वन इम्पॉर्टेंट एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, जिसे मैंने आपको बोला था कि करंट अफेयर्स आप दूसरे यूट्यूब चैनल से करना, दैट इज़ ओके जो मैंने बोला था, बट द मेन थिंग इज़ जब मैंने जून मंथ के करंट अफेयर सर्च किए यूट्यूब से फॉर टू प्रोवाइड यू द बेस्ट मटेरियल, ताकि मैं सेलेक्ट करके प्रोवाइड कर सकूं, बट मुझे एक भी वीडियोज़ अभी शायद रिसेंट में किसी ने अपलोड नहीं किए, इसलिए मुझे जल्दी भी करनी पड़ी। ओके, कम टू द क्वेश्चन। हु हैज़ बिकेम द यंगेस्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर इन हिस्ट्री? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अभिमन्यु मिश्रा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अभिमन्यु मिश्रा बिकेम द यंगेस्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस? एनोमलीज का मतलब होता है इनडिफरेंसेस, मतभेद। सो एनोमलीज इन लॉज एंड जस्टिस, ये बुक किसने लिखी है? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आरवी रविंद्रन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, आरवी रविंद्रन। ओके, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स हु इज द प्रेजेंट CJI ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ विंडोज लॉन्च्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्येन नडेला, और जो नेक्स्ट जनरेशन है माइक्रोसॉफ्ट की, दैट इज विंडो 11। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, विंडोज 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ मंगोलिया, दैट इज द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार? सो मंगोलिया का हाइएस्ट अवार्ड ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है, स्टैटिक GK से क्वेश्चन है। द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, ये किसका हाइएस्ट अवार्ड है, हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड है मंगोलिया का, ये किसको दिया गया है? इंडियन ऑरिजिन के RK सबरवाल। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, RK सबरवाल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। हु हैज़ बिकेम द यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर टू प्ले इन ऑल फॉर्मेट्स? सो यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर टू प्ले इन ऑल फॉर्मेट्स, जिन्होंने सब फॉर्मेट्स के लिए ODI, टेस्ट मैचेस, T20, whatever. सो इसका जो करेक्ट आंसर, दैट इज शेफाली वर्मा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, शेफाली वर्मा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। हु वॉन द पुलिट्जर प्राइज 2021 इन द इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी फॉर एक्सपोजिंग चाइना सीक्रेट उरुग्वे मुस्लिम्स डिटेंशन कैंप्स? तो आपको पता होगा सिंजियांग प्रांत में, प्रोविजन में, चाइना के सिंजियांग प्रोविजन में एक जगह है जहाँ पर उरुग्वे मुस्लिम रहते हैं, और उन पर काफ़ी सारा अत्याचार किए जाता है बाय द चाइनीज गवर्नमेंट फोर्सेस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि पुलिट्जर प्राइज़ उनको उस सीक्रेट को रिवील करने के लिए मिला है, ठीक है? तो इनका नाम क्या है? करेक्ट आंसर इज मेघा राजगोपालन। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, मेघा राजगोपालन।
ओके, ये इंपॉर्टेंट है, जो पुलिट्जर प्राइज है वो जर्नलिज्म के फील्ड में मोस्टली दिया जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, विच वैक्सीन इज रिपोर्टेडली मोर इफेक्टिव अगेंस्ट द डेल्टा COVID-19 वाइब्रेंट। सो इनमें से कौन सी मोस्ट इफेक्टिव वैक्सीन है अगेंस्ट द डेल्टा COVID-19 वेरिएंट? स्पेशली डेल्टा वर्ड किया है, ओवरऑल वैक्सीन नाम नहीं पूछा है कि कौन सी ओवरऑल इफेक्टिव है अगेंस्ट COVID-19। सो डेल्टा COVID-19 वेरिएंट के खिलाफ कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव वैक्सीन है? नाउ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अगेंस्ट स्पुतनिक 5th, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स वॉन द पुलिट्जर प्राइज 2021 इन फिक्शन कैटेगरी? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए द नाइट वॉचमैन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पुलिट्जर प्राइज 2021 इन फिक्शन कैटेगरी इज गिवन टू द नाइट वॉचमैन बुक, ठीक है, और इसके ऑथर है लुइस एंड्रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हु हैज़ बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल? वेरी इंपॉर्टेंट, इसराइल को और इंडिया के काफ़ी ज़्यादा रिलेशंस हैं, न्यूज़ में काफ़ी रहते हैं, सो ये इंपॉर्टेंट है कि नए प्राइम मिनिस्टर इसराइल के कौन हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज नेफ्तली बेनेट। आपसे लास्ट ईयर MNS 2019 आई थिंक 20 में क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट ईयर 2020 में MNS में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है करंट टाइम पर, तो तब थे बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29, विच नेशन हैज़ टॉप्ड द वर्ल्ड्स कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2021? सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, स्विट्जरलैंड। ओके, सो स्विट्जरलैंड टॉप दिस कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2021। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड। एंड इंडिया की रैंकिंग क्या है इसमें? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दिस ओनली, इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड एट विच पोजीशन ऑन द वर्ल्ड्स कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2021? दिस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय IMD, इंटरनेशनल मॉनिटरी डेवलपमेंट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, ऑप्शन सी सॉरी, 43rd। सो इंडिया इज रैंक 43rd इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, केनेथ कुंडा वॉज विच नेशंस फर्स्ट प्रेसिडेंट? इनकी रिसेंटली डेथ हुई है इसलिए ये न्यूज़ में है, तो ये पहले प्रेसिडेंट किस नेशन के थे? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज जाम्बिया। एज यू कैन सी रिटन हियर, द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ जाम्बिया फ्रॉम 1964 टू 1991। इनकी रिसेंटली डेथ हो गई इसलिए न्यूज़ में है। सो केनेथ कुंडा वॉज द नेशंस फर्स्ट प्रेसिडेंट, दैट इज जाम्बिया, जाम्बियाज फर्स्ट प्रेसिडेंट। ओके, सो द करेंसी ऑफ जाम्बिया इज लुसाका एंड द करेंसी ऑफ जाम्बिया इज कवच। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया इज रैंक इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021। सो द करेक्ट आंसर इज 135th, इंडिया इज रैंक 135th इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, Who among the following has been introduced into the ICC Hall of Fame this year? So you have to clarify this question, you have to search this question because I am in big doubt. So search by yourself. Next question number 34, when was World Environment Day observed? So the correct answer for this question is 5th of June. एवरी ईयर 5th of June इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। एंड इस बार की जो थीम है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड या फिर कन्फ्यूजिंग कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको डेज एंड थीम्स में इको सिस्टम रीस्टोरेशन बताया और कहीं जगह आपको ये भी दिखेगा री इमेजिन, रीक्रिएट एंड रीस्टोर। सो रीस्टोर वर्ड आ रहा है तो बस इतना ही है, वैसे ये इसका जो मीनिंग है दैट इज़ क्वाइट सिमिलर, तो इसलिए कहीं भी कन्फ्लिक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, दोनों ही थीम वैलिड है, इको सिस्टम रीस्टोरेशन या फिर री इमेजिन, रीक्रिएट, रीस्टोरेशन। ओके ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन इज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर सेलिब्रेटेड? सो ऑन विच डेट वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर सेलिब्रेटेड? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, जून 12th। सो 12th of June इज सेलिब्रेटेड एज
वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एंड लेबर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1st of May. सो इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेटेड ऑन 1st of May, वेर इज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर और चाइल्ड लेबर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 12th of June. सो दोनों ही इंपॉर्टेंट है. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26. अब्दुल्ला शाहिद हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 76th यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली सेशन. ही इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच नेशन. सो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यूएन नेशन यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया है, उनका नाम ही इंपॉर्टेंट है. किस देश से बिलोंग करते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना डीप आपके एमएनएस एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा. ठीक है, सो अब्दुल्ला शाहिद अपॉइंटेड इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशन और ये किस देश से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं मालदीव से, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज अब्दुल्ला शाहिद. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37. विच सिटी हैज़ डिक्लेयर्ड एज द मोस्ट लाइवेबल सिटी इन द वर्ल्ड इन द 2021 EIU ग्लोबल लाइवेबिलिटी रैंकिंग. तो इनमें से कौन सी मोस्ट लिवेबल सिटी है, रहने लायक सिटी, रहने लायक शहर वर्ल्ड का कौन सा है इनमें से. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए ऑकलैंड. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ यू हैव टू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स इन विच कंट्री दिस ऑकलैंड सिटी सिचुएटेड. आई थिंक दिस इज इन न्यूजीलैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38. विच सिटी हैज बीन नेम्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटी ऑफ इंडिया इन द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 रिलीज्ड बाय द सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंट CSE. तो इंडिया के अंदर सबसे रहने लायक शहर कौन सा है. फॉर दिस द करेक्ट आंसर इज बेंगलुरु. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39. विच नेशन इज बिल्डिंग इट्स फर्स्ट फुली स्टील्थ नेवल वॉरशिप. स्टील्थ नेवल वॉरशिप इंडिया वर्ल्ड में कौन सा नेशन ये बिल्ड करेगा. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रशिया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40. हु हैज बिकेम द सेकेंड हाइएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर. सो सेकेंड हाइएस्ट इंटरनेशनल गोल स्कोरर कौन बना है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑफकोर्स दैट इज फेमस फुटबॉलर सुनील छेत्री, बिलोंग्स टू इंडिया. एंड इन्होंने लियोनल मेस्सी को पीछे छोड़ा है. सो यहाँ पर यू कैन सी इन दिस इमेज सुनील छेत्री ओवरटेक लियोनल मेस्सी इन इंटरनेशनल गोल्स. बट इनसे आगे कौन है अभी फर्स्ट नंबर पर, वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिन्होंने 103 गोल्स किए अब तक और इन्होंने कितने किए 74. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41. विच नेशन इज नाउ द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर ऑफ इंडिया. जो फर्स्ट एक्सपोर्ट पार्टनर है इंडिया का सबसे ज़्यादा दैट इज़ USA. सो USA एट द नंबर वन पोजीशन इन एक्सपोर्ट पार्टनर. सेकेंड नंबर पे था UAE बट इसको ओवरटेक किया है चाइनाज ने. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ चाइना बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42. हु वॉज स्वान इन एज द न्यू चीफ प्रोसिक्यूटर फॉर द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. नए चीफ कौन बने हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए करीम खान. ओके, करीम खान बिकेम द न्यू चीफ प्रोसिक्यूटर फॉर द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. नाउ हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज इन द हेग. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43. रिसेंटली द नेवी मुंबई इंटरनेशनल नावी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज बीन डिसाइडेड टू रीनेम्ड आफ्टर हुम. तो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम रखा जाएगा बाल ठाकरे के नाम पर. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44. हु हैज वॉन द 2021 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स. फॉर्मूला वन से रिलेटेड है ये. सो फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने ये टाइटल होल्ड किया है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मैक्स वर्स्टैपन. ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45. रिसेंटली सत्य नडेला वॉज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ विच कंपनी. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज माइक्रोसॉफ्ट. चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इज सत्य नडेला. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46. विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च एनविजन मिशन टू वीनस इन 2030. सो एनविजन मिशन ये आपको इंपॉर्टेंट है, किससे रिलेटेड है, वीनस से. ठीक है, और ये कौन लॉन्च करेगा, ये लॉन्च करेगा ESA दैट इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. सो ESA सेलेक्ट रेवोल्यूशनरी वीनस मिशन एनविजन. ठीक है,
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47, हु हैज़ बीन नेम्ड प्राइम मिनिस्टर, हु हैज़ बीन नेम्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक CAR. सो प्राइम मिनिस्टर किसे अपॉइंट किया गया है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, हेनरी मेरिया डॉनब्रे. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, इन विच स्टेट राजपरवा फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड. जो बिहार से होंगे वो ईजिली इस फेस्टिवल को प्रोनाउंस कर सकते हैं. सो सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन. सो राजपरवा ये फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया के किस स्टेट में? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज उड़ीसा, जो उड़ीसा से होंगे, सॉरी नॉट बिहार से. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 49, द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ रीअपॉइंटेड सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस फॉर द सेकेंड टर्म फॉर हाउ मेनी ईयर्स. अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लास्ट ईयर MNS 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन. सो इनको रीअपॉइंट, दोबारा अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट पर एंटोनी गुटेरेस को, कितने साल के लिए? फॉर द नेक्स्ट 5 years. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50, एंड टेड्रोस अदनॉम कौन है? WHO के डायरेक्टर जनरल. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50, इंडिया हैज मेड टारगेट टुवर्ड्स द अचीविंग गोल्स ऑफ मलेरिया एलिमिनेशन बाय विच ईयर. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टारगेट बाय 2030. सो 2030 तक टारगेट है इंडिया को इंडिया से एलिमिनेट करने का मलेरिया को. सो नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इन इंडिया, दैट इज फ्रेमवर्क कहाँ से? 2016 से 2030 तक. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51, होम इन द वर्ल्ड अ मेमोयर इज पेन डाउन बाय होम. सो ये बुक है एक टाइप की मेमोरी के फॉर्म में इसको कंपाइल किया गया है. सो होम इन द वर्ल्ड ये बुक है रिटन बाय अमृत सेन. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फेमस इकोनॉमिस्ट अमृत सेन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 52, 31st फॉर्मल मीटिंग ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वॉज हेल्ड इन विच प्लेस. सो 2021 की जो नाटो समिट है वो कहाँ होगी? करेक्ट आंसर इज बेल्जियम. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53, हु वॉज अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो चेयरमैन कौन है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के? करेक्ट आंसर इज अरुण कुमार मिश्रा. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, विच फिल्म हैज़ वॉन द बेस्ट फिल्म नेशनल अवार्ड इन द इन्वायरमेंट कंजर्वेशन कैटेगरी एट द 67th नेशनल फिल्म अवार्ड 2021, जिसमें बेस्ट जो फिल्म है हिंदी फिल्म छिचोरे को दी गई थी बेस्ट फिल्म. ओके, और बेस्ट एक्टर आपको पता है आयुष्मान खुराना एंड विकी कौशल. सो यहाँ पर बेस्ट फिल्म किसे दिया गया है इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन के लिए? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वाटर ब्यूरियल. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, वाटर ब्यूरियल. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 55, सावरकर अ कंटेस्टेड लीगेसी बुक हैज़ बीन ऑथर्ड बाई हुम. सो सावरकर ये जो बुक है दैट इज रिटन बाय और ऑथर्ड बाय विक्रम संपत. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, विक्रम संपत. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, हु टॉप द ग्लोबल लिस्ट ऑफ द बिगेस्ट फिलेंथ्रोफिस्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी. फिलेंथ्रोफिस्ट वन हु हेल्प्स अदर, या फिर वी कैन से जो सबसे बड़े दानी हुए हैं, जो गरीबों की सहायता के लिए सबसे बड़ा दान करते हैं. सो इसका जो करेक्ट आंसर है, डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन अजीम प्रेमजी एंड रतन टाटा. सो ऑप्शन जी से ए इज द करेक्ट आंसर, नॉट रतन टाटा, जमशेद जी आर टाटा वही है, उनका नाम वही है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज द इंडियाज़ रैंक इन द 6th एडिशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021. सो व्हाट इज द इंडियाज़ रैंक इन 6th एडिशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, 120th आउट ऑफ 165 कंट्रीज. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58, रिसेंटली अनिरुद्ध जगन्नाथ हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री. सो अनिरुद्ध जगन्नाथ ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं मॉरिशियस के. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. सो फाइनली
जो आपकी रिक्वेस्ट थी जून मंथ के करंट अफेयर की, वो मैंने फुलफ़िल कर दी है. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड द क्वेश्चन लेवल. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे फॉर एमएनएस 2021, क्योंकि रिसेंटली एग्जाम भी होने वाला है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो को थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन डालने चाहिए मे बी, है ना. और मेरी यही यू नो विश रहेगी कि इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एमएनएस एग्जाम में फंसें. और इसमें से ही नहीं, जो भी मैंने अब तक जो भी आपको प्रोवाइड किया है, क्योंकि कमेंट्स में यही बोलते हैं कि अगर आपके सारे वीडियोस देख लिए जाएं तो क्या एमएनएस क्लियर हो सकता है. चांसेस हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, रिवाइज करोगे चीज़ों को, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो सकता है. ओके, बस आपको अच्छे से पढ़ना है. डेली जो भी मैं टारगेट दे रही हूँ टेलीग्राम पर, वो आपको फॉलो करना है, सो दैट यू कैन अचीव योर ड्रीम, दैट इज़ एमएनएस. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड बेस्ट विशेस. मोर वीडियोज़ विल बी आई विल प्रोवाइड इन अपकमिंग. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू.